हेलो गाइज, अगर आपके पास भी एक पुराना कंप्यूटर है या फिर अगर आप अपने कंप्यूटर को अपग्रेड करने की सोचते हो, पर आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा, मैं कौन सी कंपोनेंट्स को अपग्रेड करूं, क्या करूं यार इस पुराने कंप्यूटर को, क्या करूं कि ये थोड़ा सा फास्ट हो जाए, अच्छी स्पीड देने लगे। तो यार यहां पर मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा, सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, आपको बता ही दूंगा कि आखिर क्या आप चेंज कर दो अपने कंप्यूटर के अंदर, क्या अपग्रेड कर दो, क्या चीजें लगा दो जिससे आपका कंप्यूटर बिल्कुल फास्ट हो जाए। तो यार यहां पर उसको समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। हेलो गाइज, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हो टेक हेल्पर शिवम यूट्यूब चैनल। तो यार मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपना पीसी अपग्रेड कर रहा था, तो वहां पर मुझे यार अब जल्दी वीडियो आपको लाके दूंगा, डायरेक्टली दिखाऊंगा कौन कौन से पार्ट्स मैंने जो है चेंज किए हैं, जिसके बाद मेरा कितनी स्पीड बढ़ी है, सब कुछ ग्राफ के हिसाब से दिखाऊंगा, सब कुछ आपको मैनुअली दिखाऊंगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। लेकिन आज मैं इस वीडियो के अंदर डायरेक्टली टिप्स दूंगा, बताऊंगा कि क्या क्या पार्ट्स अगर आप अपग्रेड करते हो तो आपका जो पीसी परफॉर्मेंस है, यानी आपकी जो पीसी की स्पीड है वो बूस्ट होगी, साथ ही साथ बहुत ज्यादा बूस्ट होगी, यानी 10 गुना 20 गुना आप उसको बढ़वा सकते हो। अब दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक चीज सजेस्ट कर देता हूं कि अगर आपका कंप्यूटर थोड़ा पुराना है, 10 साल 15 साल 5 साल, तो यार उस पर अगर आप बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हो अपग्रेड करने के लिए तो वो आपकी बेवकूफी है। अगर आप 1-2 साल पुराने कंप्यूटर को अपग्रेड कर रहे हो तो वो ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा वीडियो के अंदर आगे, तो समझ लेना सब कुछ बहुत ही अच्छे से। तो यार यहां पर अगर आप एक बहुत पुराने कंप्यूटर को अपग्रेड कर रहे हो, अपग्रेड करने के अंदर बहुत पैसा लगा रहे हो, तो आपके साथ बेवकूफी है, बिकॉज आप उसमें अगर अपग्रेड करने वाली चीज सोचोगे तो सब कुछ अगर अपग्रेड करोगे उतने में आप एक नया पीसी असेंबल करा लोगे, बना लोगे, ले लोगे। तो यार यहां पर आपको पुराने कंप्यूटर में क्या क्या असेंबल करना है मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले अगर आपका पुराना कंप्यूटर है तो वहां पर आपको अगर हार्ड डिस्क लगी हुई है तो आपको कुछ नहीं करना है, हार्ड डिस्क को लगे रहने दीजिए। आपको मार्केट से बाय करना है एक एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो इंटरनेट पे सर्च कर लेना, अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगी। आपको यार यहां पर आपको एक एसएसडी ले लेनी है जो कि आपको 2500 की पड़ जाएगी, शायद 225 GB की, शायद हां 225 GB की आपको 2500 रुपए में पड़ जाएगी। अब इसको आपको अपने कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क के साथ ही लगाना होता है साटा केबल के ऊपर। नहीं पता, यूट्यूब पर सर्च कर लेना किस तरीके से लगाते हैं, वो समझ में आ जाएगा। मंगा के एक एसएसडी लगा लेना जो कि 225 GB की होगी। अब दो एसएसडी लगाने के बाद आपको अपने जो लोकल डिस्क सी है, यानी आपका जो यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको आपको एसएसडी पर शिफ्ट कर देनी है। जी हां दोस्तों, अब तक आप हार्ड डिस्क पे चला रहे थे अपना लोकल डिस्क सी, यानी ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम अपना इंस्टॉल किया था अपने लोकल डिस्क सी पे, तो यहां पर हार्ड डिस्क जो है थोड़ा सा पुराना टेक्नोलॉजी है, थोड़ी सी कम स्पीड मिलती है। वहीं अपग्रेडेड वर्जन है, यानी थोड़ा सा नया टेक्नोलॉजी का है एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, यहां पर आपको काफी तेज स्पीड मिलती है। हालांकि दोस्तों ये जो एसएसडी है वो थोड़े से महंगे आते हैं, तो आप इसको स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज नहीं कर सकते हो, महंगे हैं, तो आप एक ले लो 2500 का पड़ जाएगा आपको, 225 GB का। इसको आप लगा लो साटा केबल के मदद से, आसानी से लगा लोगे। लगाने के बाद आप इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देना, लोकल डिस्क फॉर्मेट करवा लेना, दुकान से नहीं जानते हो घर पे करना। और दोस्तों अगर आप घर पे फॉर्मेट करना नहीं जानते हो तो वो भी मैंने वीडियो बना रखी है, वीडियो एंड में देख लीजिएगा। दोस्तों इसी तरीके से आप अपने हार्ड डिस्क के साथ एक सॉलिड स्टेट ड्राइव लगा के अपने कंप्यूटर की स्पीड काफी फास्ट बना सकते हो, इससे आपके कंप्यूटर की स्पीड जो है 10 गुना बढ़ जाएगी। उसी के साथ दोस्तों अब आपको देख लेना है रैम। अब रैम चेंज करते समय आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर अगर आप डुअल चैनल है, अगर वहां पर एक ही रैम लगी हुई है, जैसे 2 GB का एक रैम लगा हुआ है, या फिर अगर आपका रैम लगा भी हुआ है फुल, तो यहां पर रैम में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी होगी। सबसे पहले तो आपको कैपेसिटी वाइज रैम को चूज करना होगा, जैसे कि यहां पर एक चीज और ध्यान देना होगा कि आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो मदरबोर्ड है, उसके अंदर कितने जीबी की मैक्सिमम रैम सपोर्ट करेगी, कितने जो है मेगाहर्ट्ज़ की रैम सपोर्ट करेगी, मैक्सिमम कितने जीबी तक की रैम सपोर्ट करेगी, उसके लिए अलग वीडियो मैंने बनाई है किस तरीके से चेक कर सकते हो, वो आप वीडियो एंड में देख लीजिएगा। तो ये चीजें आपको समझनी होगी अच्छे से, तभी आप रैम को अपग्रेड करना। रैम अगर 2 GB है तो आप 4 GB करना, उसी के साथ मेगाहर्ट्ज़ आप बढ़ा लेना। जैसे आप में पहले से ही आपके कंप्यूटर में रैम लगा हुआ है जो 1333 MHz है, या फिर कहें तो 800 MHz है, तो आप उसमें 800 MHz की 2 GB रैम नहीं, आप उसमें 2 GB की अगर रैम बढ़वा रहे हो तो 1333 MHz की लगाना, जिससे आपको स्पीड इंक्रीज मिलेगी। ना कि अगर 800 MHz की पहले से लगी हुई है और 4 GB आप कर देते हो 800 MHz की, तो वहां पर आपको स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट नहीं देखने को मिलेगी। इसको समझने के लिए अलग अलग वीडियोस बना दूंगा, आप समझ लेना यार। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि ऐसी जानकारी लेके आता रहूंगा। तो यार सब कुछ समझने के लिए बहुत ही डीपली समझना होगा आपको रैम के अंदर, क्योंकि रैम यार ऐसा नहीं आप डायरेक्टली लगा दोगे तो आपको स्पीड वही देखने को मिलेगी। तो यार रैम को इंक्रीज कर
करने के लिए अपने कंप्यूटर के अंदर उसकी मेगाहर्ट्ज़ को भी इंक्रीज करना होगा, यानी 800 मेगाहर्ट्ज़ का है तो 1333 मेगाहर्ट्ज़, 1600 मेगाहर्ट्ज़ का, यानी मेगाहर्ट्ज़ भी बढ़ाना होगा। कैपेसिटी के साथ यानी 4GB का रैम ले रहे हो आप, तो उसके साथ आप मेगाहर्ट्ज़ भी बढ़ा देना। लेकिन मेगाहर्ट्ज़, वो जो मेगाहर्ट्ज़ आप ले रहे हो क्या वो आपके सीपीयू को सपोर्ट करता है, ये भी इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। तो उसके लिए आप इस वीडियो को एंड में जो आएगी उसको देख लीजिएगा, वहां पर आप अपने कंप्यूटर के अंदर पता कर सकते हो कि मैक्सिमम कितने जीबी की रैम लगेगी, कौन से मेगाहर्ट्ज़ की रैम लग सकती है, वो सारी चीजें वहां पर डाउट्स क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप रैम को अपग्रेड कर लेना, 2 से 4 GB बना लेना अगर आप सपोर्ट करता है वो मदरबोर्ड, तो अगर 800 मेगाहर्ट्ज़ का है तो 1333 मेगाहर्ट्ज़ का आप रैम 4 GB का ले आके लगा लेना, जिससे आपको जो है 10 गुना और स्पीड मिल जाएगी। इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर को 20 गुना जो है तेज कर लोगे पहले के मुकाबले। अब दोस्तों रैम और SSD को अपग्रेड करके अपने कंप्यूटर की क्षमता बढ़ा सकते हो, स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन अब हम सोचते हैं यार सीपीयू के ऊपर, क्या हम सीपीयू को भी अपग्रेड करें, क्या हम सीपीयू को भी निकाल के नया सीपीयू लगाएं? तो मैं कहूंगा भाई पैसा मत खर्चा करो, आप उतने में एक नया पीसी बिल्ड करा लोगे, क्योंकि सीपीयू पता है आपको कॉस्टली होता भैया, 15,000-10,000, इतने में आप एक नया सीपीयू ले सकते हो, एक अच्छा सीपीयू बिल्ड कर सकते हो। तो यार कभी भी आप सीपीयू को जो है अपग्रेड ना करें, मैं आपको यही पर्सनली सजेस्ट करूंगा। अब उसके बाद आपकी मर्जी। उसके बाद दोस्तों यहां पर मैं बात करूंगा ग्राफिक कार्ड। तो यहां पर ग्राफिक कार्ड आप लगा लोगे जिसके बाद आपके कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। और मैं यहां पर यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपको गेमिंग करना है तभी आप ग्राफिक कार्ड लगाना, या वीडियो एडिटिंग करना है तभी लगाना, क्योंकि तभी आपको उसकी यूज होगी, वरना वो ग्राफिक कार्ड फालतू में आपके कंप्यूटर के अंदर पड़ा रहेगा। उसके बाद दोस्तों ग्राफिक कार्ड अगर आप लगाते हो तो आपको उसके अंदर SMPS का भी ध्यान रखना होगा, यानी पावर सप्लाई, जो आपके कंप्यूटर के अंदर पावर सप्लाई लगी है तो पावर सप्लाई भी इंक्रीज करना होगा। तो ये सारी चीजें थोड़ी पेचीदा हो जाएंगी। तो अगर आपके एक पुराना कंप्यूटर है तो मैं आपको कहूंगा आप उसके अंदर रैम SSD लगा लो, आपको काफी अच्छी स्पीड मिलेगी भैया, काफी अच्छी स्पीड मिलेगी, कहीं उससे 10 गुना ज्यादा मिलेगी जो पहले मिलती थी। तो यार ये सारी चीजें हैं जिनको आप ध्यान में रखकर अपने कंप्यूटर को अपग्रेड करोगे तो कहीं ज्यादा फास्ट स्पीड आपको पुराने कंप्यूटर से मिल जाएगी। तो बस यार अगर आपका कोई सवाल एंड सुझाव है तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए बेल आइकन, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय वंदे मातरम।